आज फिनो किधर रह गई है? कॉल आ गई थी उसकी, उसके अब्बा की तबीयत बहुत खराब है तो उनको लेके हॉस्पिटल गई है, देर से आएगी आज। चलो अब तो मैंने नाश्ता बना दिया है। तुम भी चलो फिर साथ ही नाश्ता करते हैं। नहीं मुझे भूख नहीं लग रही है। ठीक ये ले जा। सुबह सवेरे मुझे इन साहब की शक्ल देखकर बिल्कुल अपना मूड नहीं खराब करना। पता नहीं मुझे कितनी देर इस किचन में रहना पड़ेगा। सेब का टुक खाओगे? नहीं। जूस तो पियोगे? नहीं, चाय डाल दे, मैं ऑमलेट खाऊंगा। ऑमलेट किसने बनाया? वो जो नई मेहमान आई हैं उन्होंने बनाया। अच्छा नहीं है, मैं दूसरा बना देती हूँ। वो भी तो यही है। क्या इरादे हैं उसके? मेरा तो इरादा ये है कि वो यहीं रहेगी, फिलहाल कहीं नहीं जाएगी। ऑमलेट अच्छा बनाती है, तुम दोनों भी सीख लो। और दादी सलाम है आपकी मुस्तकिल मिजाजी को, मेरी बात की कोई अहमियत ही नहीं है। जब घर में बुजुर्ग जिंदा हो तो फैसले करने का अख्तियार उन्हीं को होता है। तुम लोग चाय बनाना भी सीख लो उससे। हारून को चाय भी अच्छी लगी। इसी बहाने मजीद उसको रोके रखे हैं। अजीजों को रोकने के लिए मुझे किसी बहाने की जरूरत नहीं है, उसे इस घराने की है, मोहतरम बच्ची है। अरे नानी ने तो उसकी बोलती ही बंद कर दी। लंच घर पे करोगे? नहीं मैं शाम में आऊंगा। खैर से हो। अब तो मुझे भूख लग रही है। तो भूख नहीं थी? मुझे अभी अभी पता चला है कि मुझे जोरों की भूख लग रही है।